भाई ये चीज तो बहुत बढ़िया दे दी यार अशोक लेलैंड वालों ने। ये कम्बल वगैरह सब रख के लेके आ गए थे भाई कि मैं यहीं रुकूंगा भैया, फिर भाई माल दिलवा देंगे अब मैं। और इसको सबसे ज्यादा पासिंग है अभी, पासिंग तो सबसे ज्यादा आ रही है। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि यार मेरे वीडियो से इतना फायदा तो मिल गया भाई कि आपको कोई भी इंसान गाड़ी ले रहा है भाई 4-5 साल इसलिए थोड़ी ना ले रहा है कि सिर्फ किश्ती भरता जाएगा। सोचा ना, वो देख के तो थोड़ा इंस्पायर हो गया छोटी गाड़ी में मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे आप i5 लेके आओ भाई, i5 लेके आओ, ब्रांड न्यू i5 आप लोगों के सामने पेश है। और सबसे पहले एक खास बात इस वीडियो के बारे में बता दूं, सेफन भाई हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम आपका भाई। नई गाड़ी लेके बिल्कुल महाराष्ट्र से यहाँ आ गए। मेरा दिल तो तब थोड़ा सा थम गया जब सेफन भाई के पास मैं मिलने आया, उन्होंने बुलाया और मुझसे ऐसा बोला कि भाई ये गाड़ी मैं लेके आ गए हूँ, अब बताओ कैसे चलाना है। उस वक्त दिल मेरा थोड़ा सा बैठ गया कि मैंने भाई क्या कर दिया आपने ये। हालांकि भाई एक दो लाइन सेट करके आए हैं, यहाँ की कोई उनकी लाइन थी नहीं तो कुछ घुमा फिरा के अपने लाइन करवा दी है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले गाड़ी देखिए आप, गाड़ी में मतलब सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये देखिए भाई, ये सेंटर लॉकिंग मिल रही है भाई ज़बरदस्त, मतलब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये सब चीज़ें मिल जाए तो चाहिए क्या। सबसे पहले चाबी बता देता हूँ, सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है, बाकी प्रोफाइल की थोड़ी बहुत प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। जैसे फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल सी हेडलाइट है, यहाँ इंडिकेटर दे रखा है अशोक लेलैंड की बेजिंग आप देख ही सकते हैं। नीचे फॉग लैम्प नहीं है, रिफ्लेक्टर दे रखा है, इस टाइप के वाइपर मिल जाते हैं। साइड में चलेंगे, साइड में चलेंगे। सेवन भाई ये जो स्टिकर है ये अशोक लेलैंड से लग के आया है? हाँ लग के आया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब साइड से आप प्रोफाइल देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो i5 LX की बैजिंग मिल जाएगी। और भाई सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एड ब्लू नहीं दिया इसमें। आप लोग बोलते हैं ना एड ब्लू मत दो, एड ब्लू नहीं है ना इसमें, एड ब्लू नहीं दिया हुआ भाई इसमें। और दूसरी अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, आगे जो कबानी है ये पैराबोलिक कबानी मिल जाती है, पीछे सेमी इलेप्टिक कबानी मिल जाती है आपको। और यहाँ तक कि पेलोड बहुत ज़्यादा है इसमें, इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है 3800 kg, 3800 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। और ये 2125 kg पासिंग आता है, 25 kg पूरी पासिंग आती है, 2 टन 125 किलो। सब फॉर्म में बता देता हूँ मैं आपको। बाकी दिखने में अच्छी खासी है, हाइट वगैरह बहुत अच्छी है। ऐसे में जो है इसकी बॉडी जो है 9.8 फीट है, और विड्थ की बात करें तो पीछे से उसमें 5.9 फीट है ऐसे में इसकी बॉडी। डीजल टैंक दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके की है भाई, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा आपको देखना। नीचे आप स्पेयर व्हील यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं भैया, पार्किंग सेंसर भी दे रखे हैं 1, 2, 3, बस रिवर्स कैमरा और दे देते दे, तो थोड़ा सा लगता है मुझे ड्राइवर और ओनर के लिए, व्हील कवर अच्छे लग ही रहे हैं। 50 लीटर का डीजल टैंक आपको मिल जाता है, इधर से भी वैसी की वैसी प्रोफाइल है। सेवन भाई ये जो है चेचिस में भी आता है, हाफ बॉडी में भी आता है, ये फुल बॉडी में भी आता है। आपने फुल बॉडी में लिया है ये? फुल बॉडी है ना, महाराष्ट्र से उठाया आपने? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से उठाया है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत अंदर से दिखा दूँ, फिर पूरी बातचीत अपन करेंगे भाई से। और सॉरी मैं आपको इसका इंजन बताना भूल गया, इसमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है, मतलब 1478 cc का इंजन आता है, 80 HP की पावर, 190 Nm का टॉर्क आया जाता है। 4 सिलेंडर नहीं है बस, ये 3 सिलेंडर है बस ये इंजन जो है। पहले पूरी प्रोफाइल इंजॉय करा लें, यहाँ मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेंटर लॉकिंग भी है, मतलब ये चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त लगी भाई। एक चीज़ सेवन भाई आइए ना, ABC पैडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीट जो है यहाँ पे जो स्टीयरिंग है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं दिया इसमें, नहीं। और ये सीट को दोनों को पलटी करके सो भी सकते हैं, दोनों को पलटी करके सो सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ये लगा सेवन भाई, जैसे ये जो उठा हुआ दिया है ना, क्या है इंसान सब अलग अलग होता है, जैसे मेरा वजन ज्यादा है, कोई कम वजन का है, कोई बहुत ज्यादा वजन का है, तो अलग अलग साइज होता है इंसान का। हाँ। ये थोड़ा फ्लैट ही देना था उनको, फ्लैट देना था, एक ना, थोड़ा एक एक उठा हुआ दे दिया और एक थोड़ा सा नीचे दे दिया, वो थोड़ा सा मुझे लगा और कुछ नहीं। बाकी ये जो सीट वगैरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, हाइट वाइट तो एडजस्ट होगा नहीं, आगे पीछे जा सकता है और यहाँ से पीछे चली जाएगी ये, ठीक है। अंदर चलते आइए ना आप, तो यहाँ पे आप ग्रैब करके इसको चढ़ सकते हो, वहाँ पे ग्रैबिंग दे रखी है, ऊपर की तरफ ग्रैबिंग दे रखी है, अच्छा मटेरियल ऊपर यूज किया गया है, या लाइट दिए हुए थोड़ा सा और अच्छी देते लाइट, मतलब ऐसा नहीं लग रहा। हाँ। थोड़ा लोकल टाइप दे दिया इन्होंने, रात में पड़ता है बराबर उजाला। हाँ रात में पड़ता है। हाँ। बराबर इस टाइप का स्टीयरिंग वगैरह मिल जाता है, आपने फैन अलग से लगाया, और एसी वाला मॉडल लिया आपने ये? हाँ, एसी वाला। क्या बात है, एसी अच्छा काम करता है इसका। हाँ, करता गियर यहाँ पे दे रखा है इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 आते हैं, रिवर्स मिला के 6 हो जाएंगे गियर। हैंड ब्रेक यहाँ दे दिया है, अच्छा हैंड ब्रेक आप डाउन करेंगे तो पूरा स्पेस आपका डाउन करके भी लॉक कर सकते हैं इसको, कैसा बोले तो इसको आगे ऐसा खींचेंगे या ऐसा करेंगे, आगे खींचेंगे और ऐसा रखेंगे तो ये लॉक हो गया। हाँ हैंड ब्रेक हो गया, हो गया हैंड ब्रेक हो गया, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि सो सकते हैं आप। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि अभी जैसे अभी इसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है सेवन भाई, ठीक है। तो ये अपन ने इसको इधर नीचे करा तो ये हैंड ब्रेक उतर गया इसका। हाँ उतर अभी गया। तो उतर गया। लेकिन अगर अपने को सोना है, सोना जैसे वापस लगा तो इसको खींचा अपन ने नीचे कर, ऊपर करके ये खींचा और ये नीचे कर लॉक हो गया, मतलब हैंड ब्रेक अभी भी लगा हुआ है, लगा हुआ है।
भाई ये चीज तो बहुत बढ़िया दे दी यार अशोक लेलैंड वालों ने, मतलब ये चीज अच्छी है भाई कि मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीजों में ख्याल रखना जरूरी है, ये चीजें का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें जब ड्राइवर या ऑनर चलता है तो ये चीज रहती है कि मतलब उसको सोने के लिए जगह चाहिए। मुझे लग रहा था कि यार हैंडबैग दे दिया साला, कैसे क्या इंसान सोएगा, ये चीज अच्छी थी। और MID ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, डिजिटल MID मिल जाती है भाई। ये RPM मीटर यहाँ साइड में दे रखा है, इसमें थोड़ा सा धूप हो रही है और यहाँ पे ये फ्यूल बता रहा है। माइलेज वगैरह सब बताता है सेवन भाई? नहीं बताता इसमें, वाइसर की सरकार नहीं बताता। हाँ और ये कितना चल गई ये तो बताएगा ना? हाँ वो बताता है ना, 1829 की। अठारह सौ उनतीस आपने चला दिए। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर देके रखा है, पावर और इको मोड इसमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एसी के दो वेंट यहाँ पे, एक वहाँ पे देख रखा है, यहाँ दे रखा है, स्टोरेज मिल जाता है, ये स्टोर करने के लिए थोड़ा सा जगह दी। नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे भी वही, नीचे भी स्टोरेज दिया, दोनों जगह स्टोरेज दे दिया गया। ये लॉक हो सकता है, ये लॉक नहीं हो सकता। हाँ बस ये नीचे वाला लॉक हो जाएगा, ये वाला लॉक नहीं होगा। और ये अपना वो जब गाड़ी समझो ये BS6 है ना, हाँ, तो कभी प्रॉब्लम देगी, बंद वगैरह पड़ेगी तो इसको दबा के रखने का एक दो मिनट, हाँ, और छोड़ देने का, रिकवर हो जाती है। अच्छा चोक जैसा सिस्टम है ये? हाँ चोक जैसा, ये गाड़ी रिकवर। बाकी आप AC वगैरह एडजस्ट कर सकते हो तो यहाँ बीच में यहाँ पे हजार स्विच जरा रखा। बाकी मतलब कुछ AC है, स्पेस वगैरह बढ़िया है इसमें। और गियर के पास ही आपको यहीं पे मिल जाता है ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। तो भाई ये तो अंदर से कुछ ऐसी है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब तो दो एक कमी मुझे खाली लगी कि एक हेडरेस यहाँ पे दे देते, और बाकी अगर गेट पे आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है, लॉक अनलॉक दे रखा है। पावर विंडो और दे देते जब टॉप मॉडल लेते। हाँ, पावर विंडो ही नहीं, नहीं है ना, ये टॉप मॉडल ही है ना। हाँ, टॉप मॉडल। हाथ से आपको रोल अप रोल डाउन करना पड़ेगा, तो ये और दे देते। और तीसरी चीज ये है, तीसरी जो भी चीज है वो ये है कि इसमें ABS नहीं है, मतलब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ब्रेक वगैरह बढ़िया आते हैं? ब्रेक एकदम बढ़िया है, जबरदस्त आता है ब्रेक, कोई दिक्कत तो नहीं? AC एकदम चिल्ड चलता है? चिल्ड चलता है। अब सैफुन भाई सबसे पहले बात ये आती है कि आपने जैसे बताया कि आप हमारे वीडियोस वगैरह देखते थे, वो देख के आपने गाड़ी लिया है, तो ये अशोक लेलैंड की भी गाड़ी वीडियो देख के लिया है आपने क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये गाड़ी मैं लेना ही चाहता था। अच्छा, लेकिन थोड़ा आपका वीडियो देख के थोड़ा मतलब सोचा कि मैं एक्चुअली बड़ा गाड़ी लेना था आइसर। अच्छा, लेकिन उसका थोड़ा नहीं जम गया लोन का वो वगैरह, तो मैं बोला छोटे सी स्टार्ट करते हैं। कुछ और करते थे पहले? हाँ मतलब... मैं बड़ी गाड़ी चलाता था, 14 टायर ट्रक वगैरह चलाते थे। 14 टायर तो डायरेक्ट वीडियो देखने के बाद ट्रक छोड़ दिया है वो? नहीं नहीं पहले छोड़ दिया था मैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो एक साल छोड़ दिया था। अच्छा छोड़ दिया था, उसके बाद आपने सोचा कि ये प्लान किया जाए। आप जब यहाँ आए और आपने जब बोला ना तो मेरा दिल दहल गया। मेरा दिल इसलिए दहल गया कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं माल ना दिलवा पाऊँ या कुछ ना हो पाए, इस वजह से दहल गया मेरा। भाई आए थे कि कुछ भरोसे पे आए थे भाई, मतलब यहाँ तक कि आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखिए आप, ये देखिए ये कम्बल वगैरह सब रख के लेके आ गए थे भाई कि मैं यहीं रुकूंगा भैया, फिर भाई माल दिलवा देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, हालांकि उनके उन्होंने बाद में मैंने बहुत सी बात की भाई से, सैफुन भाई से, तो उनका बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई आप नहीं भी करते तब भी मैं कुछ ना कुछ करके ही जाता, कुछ ना कुछ माल लेके जाता, उस हिसाब से आया था। हाँ उस हिसाब से आया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा काम है वीडियो बनाना, इन्फॉर्मेशन देना, और उसमें ये चीज़ भी बोलता हूँ कि मतलब इन्फॉर्मेशन लो अलग अलग वीडियोज। तो मुझे भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जितनी भी छोटी गाड़ियों के वीडियो थे लगभग आपने सब देखे, उन्होंने सब देखे कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, कौन सा माल कहाँ जा रहा है, उसके बाद उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि मुझे लॉन्ग रूट पे चलना है। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि यार मेरे वीडियो से इतना फायदा तो मिल गया भाई कि आपको लॉन्ग रूट पे चलना है, एक अंदाज़ा तो मिल गया कि लॉन्ग रूट पे चलने पे फायदा। और भाई मैं बता दूं कि जैसे भाई एक बड़ी आस से आए थे, तो एक तो कॉन्टैक्ट मिला कि मैंने यहाँ की लाइन तो उनकी सेट करवा दी है, लेकिन क्या है कि वो इमरजेंसी में आए थे, इसी भरोसे आए थे, लेकिन जिनसे भी मैंने लाइन सेट करवाई है वो भी गाड़ी वाले हैं, उन्होंने बोला भाई हम हर किसी के नहीं करा सकते हैं, भाई इमरजेंसी में आ गए एकदम से, क्योंकि उन्होंने मैंने उन्हें यही बोला कि सैफुल भाई डायरेक्ट महाराष्ट्र से आ गए हैं भाई और मेरे भरोसे आ गए यहाँ पे, तो इतनी हेल्प कर दो अभी कुछ टाइम के लिए, तो वो लाइन मैंने सेट करवा दी। लेकिन आप ये गलती मत करना कि सिर्फ मेरे भरोसे गाड़ी ले लो, भाई ने दूसरी लाइन भी सेट करके रखी थी, लेकिन उनको लंबी लाइन पर चलना था, तो ये वाला काम उनका हो गया। सैफुल भाई हो गया काम आपका, मतलब अभी ये बता दीजिए आप कितने की उठाइए गाड़ी? ये गाड़ी उठाई है 11,70,000 11,70,000 पूरा गाड़ी कंप्लीट पूरा। कैश का कीमत इतना है? कैश का कीमत है 11.70 लाख। फाइनेंस वाइनेंस करके 16 तक बैठ 16 तक पहुंचेगी आपको। कितना डाउन पेमेंट किया आपने? 1,00,000 डाउन पेमेंट। 1,00,000 डाउन पेमेंट किया आपने। कितनी किस्त आती है इसकी? इसकी 25,000 किस्त है, 25,000 इसकी EMI आती है। अच्छा कितने साल की बनवाई है आपने? 5 साल 5 ईयर्स की बनवाई है आपने। उसके बाद क्या क्या खर्चा लगा आपका? उसका खर्चा कुछ नहीं लिया, मैं फुल बॉडी लिया था कंपनी से ही। आपने कंपनी से ही फुल बॉडी लिया है? फुल बॉडी लिया है, और सिर्फ उसके ऊपर का जो है
वो उतना बनवा के लिया मैं, खाली वो उतना ऊपर का बनवाया। हाँ वो कितने का बन गया? उसको लग गए 24,000। 24,000 इतने से मैं 24,000 ले लिए? हाँ क्या बात कर रहे हैं। पेपर वेपर का क्या खर्चा लगा आपका? पेपर ऊपर सब उसमें हो गया, फाइनेंस में जो हो गया। अच्छा मतलब कुछ आइडिया तो होगा कि परमिट वर्मिट क्या क्या चीज़ें लगा होगा सैफुल भाई इसमें? परमिट 5 साल का रहता है। हाँ स्टेट परमिट रहता है वो। अच्छा 5 साल का रहता है। कितना पैसा लगा उसका? वो सब उसमें ऐड करके आता, वो उतना। महाराष्ट्र से उठाया आपने? हाँ महाराष्ट्र से उठाया। गाड़ी उठाया कितने दिन में दे दिया आपको गाड़ी? मेरे को थोड़ा ज़रा कागज़ का वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को थोड़ा एक 3-4 हफ्ते लग गए। महीना? महीना? एक महीना लग गया। एक महीना लग गया पूरा कागज वगैरह डॉक्यूमेंट? हाँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग लिया आपसे? ऐसा घर के डॉक्यूमेंट, लाइट बिल, लाइसेंस तो था मेरा, आधार कार्ड भी था, लेकिन घर के डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा थोड़ा ज़रा। अच्छा। प्रॉब्लम आ रहा था। लोन कौन सा, कहाँ से करवाया आपने? लोन सोलापुर से ही करवाया, हिंदुजा फाइनेंस। हिंदुजा फाइनेंस से आपने लोन करा? आराम से लोन कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ नहीं। इसको जब लेके आए थे तो जो आपका किश्ती EMI बना है, हाँ। तो वो एक महीने का टाइम दिया 45 दिन का, या फिर चालू कर दिया डायरेक्ट? नहीं एक महीने का दे दिया, मतलब लेने के साथ जैसा एक महीना होता है तो भरना है। अच्छा। हाँ। टाइम नहीं दिया आपको? नहीं कि एक महीना पूरा टाइम देते हैं ना कि दूसरे महीने से भरना किश्त? हाँ मतलब एक महीने का मतलब ऐसा अभी आज लिए तो आज की तारीख से 3800 तारीख को भरना है, मतलब वो पूरा महीना छोड़ना नहीं। अब बताइए जैसे आपने दूसरी गाड़ी, जैसे इतनी बड़ी गाड़ी आपने i5 उठाई है, ये नई गाड़ी है, तो बोलेरो पिकअप या टाटा वाटा की कोई दूसरी गाड़ी उसकी तरफ क्यों नहीं गए आप? नहीं मतलब वो कैसा मेरे को उतना पसंद नहीं आ रही थी, ये गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, पासिंग भी ज़्यादा है। हाँ। आजकल पासिंग का बहुत ये है और इसको सबसे ज़्यादा पासिंग है अभी, पासिंग तो सबसे ज़्यादा आ रही है। इतना वेट किसी का भी नहीं है। माइलेज कितना दे रही है, कुछ निकाला अभी आपने? अभी फिलहाल माइलेज सर्विसिंग एक भी नहीं है उसका। हाँ। तो जाम रहता है। हाँ हाँ। तो फिर भी अभी 11 का पड़ रहा है MT में। 11 का MT में पड़ रहा है? 11 हाँ। का खाली में? हाँ। तो 10-11 का इतना पड़ जाएगा। हाँ। माइलेज कितना आता होगा, अंदाजन कितना देगी आइडिया आपको? कंपनी से तो 16-17 का बोलते है। 16-17 का? हाँ 16-17 का बोलते है, लेकिन 15 अच्छा। तो मिल जाएगा बोलते है, लेकिन वो सर्विसिंग होने के बाद हो जाएगा। अच्छा सैफुल भाई जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई लाइन नहीं मिल पाती तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप? गाड़ी तो ले आए थे? नहीं कुछ तो कुछ जुगाड़ करके सेटिंग तो आप लोकल में क्यों नहीं चलाना चाहते हैं, लंबे पे क्यों चलाना चाहते हैं इसको महाराष्ट्र से यहाँ पे? क्योंकि मतलब आप इतना बड़ा गाड़ी लिए तो लोकल में भाड़े नहीं परवड़ते ना, 1500 के भाड़े से मतलब मजा नहीं आता। सही बात है, इंसान कमाना भी तो चाहिए, कमाना भी तो चाहिए। इतनी गाड़ी लिए उसका हफ्ता महीने का 25,000 रुपये किस्त है। सही बात है। तो फिर उसका 1500 से क्या होगा? अब जो लाइनें अपन ने सेट करी है आपकी, हाँ जैसे अदरक की मिर्ची वगैरह की जो लाइनें सेट हुई है, जैसे मैं वीडियोस में अपने बोलता हूँ ना सैफुल भाई, हाँ। कि 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं, हाँ, हाँ, तो ऐसा सोचा आपने भी कि हाँ, मतलब सोचा ना, वो देख के तो थोड़ा इंस्पायर हो गया छोटे गाड़ी में मैं। अच्छा। एक्चुअली बड़ी गाड़ी लेने वाला था लेकिन छोटे गाड़ी में भी अच्छी कमाई देख के लॉन्ग रूट पे। बिल्कुल आपने सही बात बोला, जो छोटी गाड़ी है अगर आप काम आपकी सेट बैठ जाए, क्योंकि छोटी गाड़ियों में ट्रांसपोर्टर का ज्यादा लेना देना रहता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट व्यापारी से अदरक लाना, गाजर लाना, अंगूर लाना, पहचान से ही जाता है। हाँ, मिर्ची वगैरह लाना, ये पहचान से जाते हैं, तो इसमें ज्यादा भाड़ा भी पड़ जाता है। हाँ। तो यहाँ से खाली जाना अखरता भी नहीं है। अब भाई मैं ये वाली चीज़ें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जिनसे हमने बातचीत भी करी है, जो भाई गाड़ी चलाते थे, उन्होंने भी मना किया कि भाई हमारा नंबर वगैरह ज़्यादा शेयर मत करना, हम परेशान हो जाते हैं। इसके पहले मैंने रफीक भाई का नंबर डाला था भाई, मतलब सिर्फ उनके पास 10-15 कॉल आए जो काम के थे, बाकी तो उनको फालतू बात करने वाले कॉल ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई टायर का बता दो, गाड़ी कौन सी लेना चाहिए, क्या लें भाई, गाड़ी का कितना माइलेज आ रहा है, ऐसे आप किसी को परेशान करेंगे तो कैसे किसी का नंबर अपन डाल पाएंगे भाई। और यहाँ तो भाई लोगों ने मना किया कि भाई इमरजेंसी में आपके पास आ गए तो हम इतना करा देते हैं, बाकी हर किसी का नहीं करा पाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँगा, अगर ये लाइनें आपको सेट करना हो तो आप डायरेक्ट व्यापारी के पास पहले जाएँ, पहले व्यापारी के पास जाओ, माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने भाड़े पे जा रहा है, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद गाड़ी लेना। क्लियर बता रहा हूँ। और ये लाइन सेट हो जाएगी आपको, क्योंकि बाहर के रूट पे चलने पे मतलब है फ़ायदा है बिल्कुल। हाँ। और वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मुझे बड़ा खुशी हुई कि भाई मतलब देखा भाई ने, इन्फॉर्मेशन पूरी गेन करी। क्योंकि जब उन्होंने मुझे, आपने मुझे बताया ना कि यार वो गाड़ी वहाँ से वहाँ चलती है, वो गाड़ी, मैं तो खुद भूल गया था क्योंकि इतने वीडियो डाल चुका हूँ, मुझे खुद याद नहीं। भाई ने बिल्कुल लिट्टो एक एक वीडियो बता दिया मुझे, वो वहाँ चलाते हैं, वो यहाँ चलाते हैं। ये अच्छा लगा कि आपने पूरा काम किया हुआ है। हाँ हाँ, रिसर्च किया उसको, पूरा रिसर्च किया। अगर जैसे मान लीजिए अगर बाहर की, यहाँ की कोई लाइन बैठ नहीं पाती आपकी अहुल भाई, तो लोकल में चलाते हैं? आखिर तो वो करना ही पड़ता था। लोकल में क्या लाइन सेट करा था चलाने की? लोकल में मतलब लोकल की फल फ्रूट पे। फिर भी क्या अंदाजा आपने वर्किंग लगाई थी, जैसे अगर आप लोकल में चलना पड़ता तो किश्त निकाल के वहाँ क्या बचत खुद? किस्त तो आराम से निकल जाती,
किस्त तो लोकल में भी आराम से निकल जाती, लेकिन मसला ये आता है भाई, मैं सब लोगों से ये बोलता हूँ, सब लोग आजकल ये बोलते हैं ना कि किस्ती नहीं निकलती, किस्ती नहीं निकलती गाड़ियों की। कोई भी इंसान गाड़ी ले रहा है भाई, चार पांच साल इसलिए थोड़ी ना ले रहा है कि सिर्फ किस्ती भरता जाएगा। हाँ बराबर है, कमाना ही है ना उसको, धंधा इंसान करता तो इसलिए करता है ना कि उसको कमाना है। ऐसा कोई भी नहीं करता भाई कि किस्त खाली किस्त निकल जाए किस्त निकल जाए, क्योंकि इनकम करते हैं लोग तो गाड़ी लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम होता है। जैसे भाई ने क्या बोला, कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपका अच्छा लगा कि आप, मैं नहीं भी करता तब भी आप कुछ ना कुछ बराबर है ना, लेकिन गाड़ी ले तो एक के भरोसे पे थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि, और फिर अभी अगर लाइन सेट हो जाएगी तो फिर कितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि रोज का आपके पास आना चाहिए? मतलब एक दो तीन हजार। दो तीन हजार तो फिर भी सेफ बचना चाहिए अपने पास, सब कुछ हटाने के बाद। अच्छा, और खुद का काम में क्या रहता है, जब आप फील्ड में अभी उतरोगे ना तो वो लाइन आपकी मिल जाती है, एक बार उसमें घुस जाएंगे तो बाद में से अपना बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। मेहनत करेगा इंसान तो सब होगा। हाँ ऐसा मेहनत करे, अभी जैसे आपने भले ही वहाँ से खाली आ गए अभी इतनी दूर, शुरू में मेहनत ही कर रहे हो ना अभी, अभी कुछ नहीं है मतलब भाई, यकीन मानो आप, भाई की जो गाड़ी चली है ना 1800, वो खुद के पैसों से अभी गाड़ी चल रही है अभी आपकी। तो ये होता है, मैं जो बोलता हूँ ना प्रैक्टिकल वर्किंग करना, इसको कहते हैं। लेकिन सुबुल भाई जैसे एक चीज बताऊं, जैसे आप डायरेक्ट खुद भी आते हैं ना, गाड़ी नहीं भी लेके आते तब भी लाइन बैठ सकती है, लेकिन आके इधर आपका नंबर नहीं मिलता था ना, इधर आने के बाद मेरे को आपका नंबर मिला है भाई। नंबर का तो मसला ये है सुबुल भाई कि मैं इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि आपको खुद पता है, काम वाले सिर्फ दो तीन फोन आना पड़ा इधर, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप आए ना तो मैं तो खुद घबरा गया था, फिर मैंने सोचा कि कम से कम इतना तो भाई को करके दो, इतना मतलब हो गया मैंने क्या करवा दिया, ऊपर वाले ने करवा दिया, मुझे जरिया बना दिया, बस ये कह सकते हैं आप। इतना रूट लंबा इसको चला के आए हैं तो थकान तो नहीं हुई? एक रन में आ गए या रुकते रुकते आए हैं? नहीं मैं थकान तो नहीं हो गई, लेकिन मैं अभी थोड़ा इधर आने का मतलब कुछ ये नहीं था मेरा आगे का, कि श्योर नहीं था कि अभी जाके इधर भरना ही है। मैं तो आपकी मुलाकात के ऐसा सोच के आया था, तो मैं निवान तो ही आया था। अच्छा, मतलब सीधे सीधे गाड़ी में माल होता था, मैं गड़बड़ से आता था। अच्छा, आराम आराम से आया? आराम आराम से आया, लेकिन कंफर्ट लगा आपको चलाने में? नहीं, गाड़ी बहुत कंफर्ट है, गाड़ी कंफर्ट, थकान वकान तो नहीं लगा? सीट वगैरह सब जो है इसका सब सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था भाई, मुझे अभी याद आ गई, थोड़ी थोड़ी चीजें याद आती जाती है। ये जो स्टेयरिंग है इसका खाली इधर आगे पीछे हो जाता होगा? हाँ आगे पीछे होता है ना, ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब ये टेलीस्कोपिक नहीं होता, टिल्ट हो जाता है इधर उधर, इशारे में ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। ये रखा है भाई यहाँ, इसको ऐसे दबाएंगे, ये कर रहा, ये 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 ऐसा हो जाएगा। ये लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप, अगर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है अपना, कर सकता नहीं कर सकता क्या अपने हिसाब से? नहीं करने तो कर सकता है, अभी फिलहाल कंपटीशन बहुत है। हाँ। लेकिन अपने को उसकी पूरी गारंटी हो तो ही करना चाहिए। हाँ। शोर हो उस धंधे के लिए तो ही करना चाहिए। हाँ। मतलब एक माइंड सेटअप है कि भाई मैं कर लूंगा पूरा जो वर्क, और ये हो जाएगा तो ही करना चाहिए। देखिए कॉम्पिटिशन तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें नहीं हो सेवन भाई, वो तो अभी सब में है, आप क्या अच्छा कर सकते हो वही मायने रखता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई ये था हमारा सेवन भाई के साथ पूरा वीडियो, और मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ भाई कि जो भी मैंने यहाँ पे करा है, भाई को माल वाल का जो जुगाड़ हो गई है वो इस बेस पे हुई है कि मैंने बड़ा फोर्सफुली उन भाई लोगों को बोला है कि वो करवा दो, तो वो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा नंबर शेयर मत करना, इस चीज़ को ज़्यादा वीडियो में मत करना, क्योंकि हम हर किसी का नहीं करवा पाएंगे। आपने हमारा वीडियो भी बनाया, आपसे ताल्लुकात भी अच्छे, तो इतना कर देते कि भाई की गाड़ी अभी अच्छी हो जाएगी। और सेवन भाई एक बात याद रखिएगा, मैं आपको फ़ोन लगा के पूछूंगा, गाड़ी से पहले आपको कमाना ही है 3-4 हज़ार रुपए रोज। वो तो है ना, उसके लिए तो इतना दूर आया हूं, आपको करनी ही है जब लाइन सेट हुई है तो। हाँ हो गए करना, ये सब हटा के मतलब 1,00,000 रुपए तो निकालना है अपने को। हाँ, गाड़ी से खैर मजाक मस्ती भी चलते रहेगी भाई, लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे कि मतलब वर्किंग ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली इंसान जा ही रहा है, बिस्तर ही लेके आ गए, मैं तो करके जाऊंगा यहाँ से, लेके जाऊंगा चीजें जो भी है, तो इस टाइप से वर्किंग होती है, थोड़ा एक जोश भी होता है, थोड़ा दिमाग भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, था कि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।